नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और पूरे देश में तमाम समारोह हो रहे हैं। हम सारी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वहां से निकलने के बाद पत्रकारों से क्या कुछ कहा उन्होंने, ये पहले आपको सुनवा दे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और हम लोग की शुरुआत की है और बहुत खुशी है और इनका के साथ हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, जब उनकी सरकार बनी 9 साल, हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत पीछे कीजिए ना, और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम है। और इतना ज्यादा उनका था, और जान लीजिए कि जब जितना दिन में रहे वो प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, तो उनके प्रति आदर का भाव है से तुम्हारे। विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? और क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, उनका तो इतना अच्छा काम था, कितना बढ़िया काम किए बोलिए, और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे, कभी भी मीटिंग होती थी, तुरंत उसको स्वीकार करते थे, और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं, तो सब तो बात है, आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने कहा कि जब से मैं सांसद था तब से हमारे बड़े प्रगाढ़ संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, आजकल के भाजपाई क्या इस संबंध को समझेंगे। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से क्रिसमस और नए साल की भी बधाई बिहार के लोगों को दी है, और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।